साहब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है विद मैलिस एंड लव। विद मैलिस एंड लव में हम डिजिटल कंटेंट को एनालाइज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसे अप्रेस करते हैं। वो वाला डिजिटल कंटेंट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स, एमेजॉन, एमएक्स प्लेयर, ऑल्ट बालाजी और ऐसे ही जितने अन्य प्लेटफॉर्म। अबे ये तो गुलाटी नहीं है, Today we are going to talk about a web series which is streaming on Netflix. It is called Hasmukh. नाम पे मत जाइएगा। इससे पहले कि मैं सीरीज के बारे में बात करूं, मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपसे करना चाहता हूं। जितने भी कलाकार होते हैं, एक्टर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, उनको अपना मूड बनाना पड़ता है। अरे यार मूड नहीं है यार, तो वो मूड कैसे बनता है? माहौल से। और कभी कभी उसके लिए हमें नशा भी करना पड़ता है, हमें मतलब कलाकारों को। कई कलाकार तो नशे के एकदम आदि हो जाते हैं कि बगैर नशे के कुछ परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते। अब नशा भी अलग अलग तरीके का होता है भाई। कई लोग गांजा करते हैं, हशीश करते हैं, सम पीपल आर ऑन वीड, सम कैन मैनेज इट विद अ बियर, और कई लोग तो दारू पिए बगैर स्टेज पे जाके गाना गा ही नहीं सकते। ऐसा ही कुछ हमारे मुख्य पात्र के साथ होता है इस वेब सीरीज में जिसका नाम है हसमुख। मुख्य पात्र हैं वीरदास, मनोज पाहवा, रवि किशन और रणवीर शौरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्लॉट है। अब तो आया है जिमी दम्बेकर के पास। अरे उस दिन हम स्टेज पे जब हसमुख को देखे ना, तो हमने कॉमेडी का काम देव को देखा। हमारा मुख्य पात्र है वीरदास, वो एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमिक है। और उसको जैसे कि अक्सर होता है कि हम लोग एक्टर बनना चाहते हैं या कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन हमें ब्रेक नहीं मिल रही है। और ब्रेक के आड़े कौन लोग आते हैं? जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। अब ये एक स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले सीन में ही ये हो जाता है। अब एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्टैंड अप कॉमिक मनोज पाहवा और उसका असिस्टेंट वीरदास, और हमारा सीरीज, हमारा पहला एपिसोड यहीं से शुरू होता है जहां पर वीरदास मनोज पाहवा को कहता है कि आपने मुझे अभी तक ब्रेक नहीं दिया, 10 साल से आप मेरे से सिर्फ स्ट्रगल करा रहे हैं। एंड समथिंग हैपेंस, एंड वी नो कि अगर एक आदमी प्रोटैगनिस्ट है तो वो स्टार तो बनेगा ही, और वीरदास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। प्रॉमिस प्रॉमिस होता है। रणवीर शौरी इज प्लेइंग द character of the manager and he offers to manage Veer Das' celebrity status as a stand-up comic ki main tujhe promote karta hu. Ab jab wo use show mein leke jata hai to Veer Das perform nahi kar pata hai. Khair hame ye pata chalta hai ki Veer Das as a stand-up comic cannot perform in the series Hasmukh unless and until he murders or kills somebody. It's a very interesting plot, जहां पे सबसे बड़ी फाइट ये है कि अगर उसको परफॉर्म करना है तो उसको किसी का कत्ल करना ही पड़ेगा, एंड एवरी टाइम द मैनेजर हैज टू गेट हिम somebody. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 10 एपिसोड की सीरीज है और हर एपिसोड तकरीबन 30 से 35 मिनट का है, कुछ 38 मिनट के भी हैं। सो यू कैन बिंज वॉच इट। अरे क्या हुआ, कोई मर गया क्या? गलती से हो गया जी भैया। अब स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस यू दैट एवरी एपिसोड विल कीप यू हुक्ड। So please go and enjoy the series. It's streaming on Netflix. It is called Hasmukh. और तब तक हम एक नई सीरीज और एक नई फिल्म के अप्रेजल के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे एक नया एपिसोड लेके। तब तक के लिए टाटा गुड। कार का कोई ना कोई बाइकरा होता है, हसमुख का बाइकरा ये है, समझा? कॉमेडी बादशाहों के बारे में सुना है?